भाई मिले हमें भाई, सब्सक्राइबर हमारे कहाँ से भाई? मदर नेगी खाना खाने वाले सुगाइज मैं आ चुकी है। अबे मेरे पांव पे मत गिराना। सुगाइज चूल्हा जला रहे थे भाई, उस पे आग लगी। जब शादी हो जाती है उसके बाद खाने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, गौर भी कोई नहीं करता। मर्जेंटा, ओह माय गॉड, वाओ। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक विद द न्यू एपिसोड। सो आज का जो ब्लॉग है उसकी स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से। भाई आज नींद ही नहीं खुली मेरी, कल रात को बताया था कि 1:30 बजे सोए थे हम। और ये देखो गाइस, ये सुबह उठ के मेरा ब्लॉग देख रहा है बंटी भाई, जल्दी सो गया था, मैंने बताया था इसको बुखार आ रहा है तो ये जल्दी उठ गया। ये तीनों अभी सो रखे गाइस, ये देखो। और मम्मी ब्रेकफास्ट बना रही है, कल इगास थी ना तो दीदी, मैंने बोला था ना जीजू लोगों को कॉल आ रही, तो दीदी ने वहां से वो दे रखे थे सवाले और वो पकौड़े, तो वो खाते गाइस। और आज नितिन भाई लोगों के दुड़ो सुन रखा आपने, हमारे यहाँ बाल बेल्टा बोलते हैं, वैसे बेल्टा कहीं दुड़ो मज बोलते हैं। तो यहाँ से पहले लड़का और लड़की दोनों जाएंगे है। अच्छा ऊपर से जाना, मतलब क्या होता है कि दोहराना पड़ता है, मतलब ऊपर में जाएंगे रोड में, रोड से नीचे आएंगे, उनके मायके वाले आएंगे ना तो यही हो जाएगा, मतलब पूरा दोनों खत्म, इधर ही होगा ना, ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। वैसे लड़के वालों के यहाँ जाते थे पहले, फिर लड़की वाले आते थे लड़के वालों के यहाँ। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट करते गाइस, ये देखो पकौड़े और सवाले क्या बन गया, रोटी खाते गाइस, लेट हो रही, फटाफट निकलते। सो गाइस जब मैंने ब्रेकफास्ट किया तब तो ये उठ रखे थे, ठीक है, मम्मी आई है और आप फिर सो गए। क्या हो गया भाई तुमको, मेरी भी तो नींद पूरी नहीं हो रखी, आइस पे देखना। हाँ भाई कोलो भाई उठ जा, भाई उठ जा, सौरभ देखना, सौरभ तो चित्त हो रखा सौरभ। चलते गाइस फटाफट से, और शाम को 2:30 बजे होगा तो 2:30 बजे दिखाएंगे आप। चलो भाई चलते भाई, बाय बाय, चाय पी के जाओ, ठीक है, बंटी भाई की तरह नहीं है, हमारे यहाँ से चाय पी के जाते सब यार। अबे यार स्कूल तो जा, सही बात भाई, कभी नहीं जाता भाई स्कूल, देख रहे हो तुम, पहले तो नीचे जा रहा था ये अपने पापा के साथ, उसका पापा भी घर आ गया, बट 28 तारीख किसने बोला 28 तारीख छुट्टी है, मैं बोल रहा भाई 19 तारीख से नहीं गया तो अभी स्कूल, मुझे पता है 28 तारीख छुट्टी है स्कूल। भाई क्या होगा तेरा यार, खत्म है तू सच्ची जुगा सबसे, शुक्र हो 12वीं पास होगा तो। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ घर में और शाम के बज रहे 5:30। आज मैं सही टाइम पे निकल गया था और सुबह से काम पे लग रखा था भाई, कमर पे दर्द होने लग गया और ये हाथ ना मेरा भयंकर दर्द कर रहे हैं, बिकॉज कब से मैं बाइक चला रहा हूँ, इधर उधर जा रहे हैं। पहले हम देखा होगा आपने कि हम पहले इंद्रोला गए थे, उसके बाद हम लंब गांव गए थे, फिर यहाँ पहले मेहंदी थी, फिर बारात में गए, और फिर अभी शादी है, परसों 26 को भी एक शादी है, वो हमारे रिश्तेदार हैं, तो अगर वहाँ भी जाएंगे हम तो दिखाएंगे आपको, मस्त करके एक्सप्लोर करेंगे। और जिस टाइम मैं ऑफिस में था ना, उस टाइम अन्य लोगों की वीडियो कॉल आ रही थी, वो आ जा रहे थे मैच खेलने, जो पहले से मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो उनको पता होगा कि जब बंटी भाई लोग गोलो लोग सब घर में रहते हैं तब हम वॉलीबॉल खेलने जाते हैं, तो मैं था नहीं आज, वो बोल रहे थे कि चल रहे, तो पता नहीं बंटी भाई शायद परसों जा रहे हैं 26 को या 27 को, तो गोल देखा होगा आपने, तो गोल बोल तो रहा था बट खेल महाकुंभ 28 को, तो इसलिए वो रुक रहा है शायद, तो जाएगा शायद 7-8 को, बोल रहा था कि 7 तक मेरी छुट्टी है, तो पता नहीं, देखते गाइस। फिलहाल भाई गला बैठने लग गया मेरा, वो खाया था सुबह, देखा होगा आपने सवाले और अड़ से लेके गया था मैं ऑफिस में, वो भी खाया, फिर अभी भी है, बुड्ढी चाय बना रही, बुड्ढी देखा होगा आपने, देखो बुड्ढी बताता हूँ, मेरी बुड्ढी चाय बना रही भाई, आप कुछ नहीं बोल, मेरी बुड्ढी मस्त है भाई, मेरी बुड्ढी की शकल देखो, देख लो देख लो, यहाँ बुड्ढी बना रही है चाय, मम्मी नीचे वो पता नहीं क्या कर रही है। तो फटाफट चेंज करते गाइस, ऊपर मैंने बोला था कि दोनों जो है आज तो शायद दिन में हो गया, और रसोईया का हाथ का खाना भी बना था आज ऊपर ना, तो बूढ़ी लोग वही बोल रहे थे कि आज क्यों नहीं आए, तो मैंने कहा आज बहुत काम था और आ भी नहीं सकता था, बिकॉज क्या है कि परसों छुट्टी है हमारी 26 और 27 को, मेरी छुट्टी है जो सारी है ना वो 26 और 27 को ही है, तो ऊपर देखते गाइस, अभी सचिन लोग बाहर में थे, दोनों हुआ होगा शायद, पहले पता करते हैं ऊपर में, और मस्त भाभी के साथ बैठने चलते ऊपर। ये देखो गाइस जो रसोई का खाना बना होगा ये सारा बच रखे, तो ताई जी बोल रहे कि शाम को आना खाने के लिए, मोहल्ले वाले अपने मोहल्ले वाले सबको बोल रहे, बुला देना, क्या तुमने नहीं बोल रखा, क्या मैं बुला, वो भी बुला सकता है क्या, बंटी भाई मेरे मोहल्ले से थोड़े आएंगे, पड़ोस वाले बंटी, इनको बोल देना ना, अगल बगल सब आ जाएंगे, सारा पर मैं तो आ ही जाएंगे,
सौरभ को भी गुड़ देना। ये तो गाइस मिठू बात होता है, ये इसमें ना चावल ही होते हैं बट इसमें चीनी गुड़ मिलाते हैं इसमें ना, मीठा बात है हाँ, इसमें गुड़ मिलाते हैं। ये देखो दाल मस्त बन रखी होगी भाई। मेरा तो बहुत मन था बट मैंने कल छुट्टी ले ली थी ना, इसकी वजह से मेरे को छुट्टी नहीं मिल सकती थी। सो गाइस निखिल को कॉल की, निखिल आगे जा रखे और सारे बोल रहे की सारे आगे जा रखे, तो चलते गाइस क्या हो रहा है वहाँ पे देखते है। वो आगे जा रखे घूमने शायद सौरभ लोग ना अन्नू लोग, देखते हैं आगे। और फिर ताई जी ने तो बोल दिया है, देख लिया होगा आपने। वैसे मैंने दिन में आना था रसोई का हाथ का खाना खाने, बट क्या था कि काम भी बहुत ज़्यादा था और फिर कल मैंने छुट्टी ले ली थी तो उसकी वजह से परसों में जल्दी आ गया था। तो डेली डेली ठीक नहीं होता ना, जो दे रहे हैं छुट्टी वो तो सही है बट जो मांग रहे हैं उसको तो शर्म होनी चाहिए कि यार मैं डेली छुट्टी मांग रहा हूँ, तो अजीब सा खुद ही लगता है। और मुझे ना घर में ज़्यादा अजीब सा लगता है, वैसे ऐसे फंक्शन वगैरह हो तो सही लगता है जैसे शादी वगैरह ना, बट अब जैसे मैं छुट्टी करूँ ना तो घर में अजीब सा लगता है, मन करता है कि ऑफिस में ही रहूँ। सो गाइस मैंने सोचा सौरभ आगे जा रखा, आगे अजी चाचा लोग जा रखे थे सारे निखिल लोग ना, तो सौरभ को मैंने कॉल की, मैंने कहा मंदिर में चलते एक राउंड घूम के। तुम खेलने गए थे ना आज वॉलीबॉल, खेला जीते? मुश्किल बंटी भाई ने निखिल, बंटी भाई को बुखार आ रहा था मैंने कल रात को बताया था, तो बोल रहा था मैं जब वीडियो कॉल कर रही थी अनु ने तब बोल रहा था कि मैंने नहीं खेला आज, मैंने कहा पता नहीं तब तो जीते होंगे कि नहीं जीते होंगे, बट ये भी खेलता है। पर आज कल क्या होता है अगर तुम रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो ना तब जाके गेम अच्छा होता है। और हाँ एक साल होने वाला भाई, जो लोग मेरे पहले से ब्लॉग देखते हैं नवंबर में मैंने ब्लॉग बनाया था, तो उस टाइम में डेली नहीं बनाता था बहुत कम बनाता था, तो उस टाइम हम खेल महाकुंभ में गए थे आपने देखा होगा, वहाँ से हम फाइनल से एक पॉइंट से आ रहे थे। तो इस बार भी है खेल महाकुंभ 28 को, तो देखते हैं गाइस अब क्या सीन होता है। मेरे तो भाई छुट्टी पॉसिबल ही नहीं है, छुट्टी अभी मैंने अपने बर्थडे के लिए लेनी है, तो फिलहाल यहाँ पे आएगा इस, इसके बाद वो निखिल लोगों के यहाँ जा रहा तू खाना खाने वाले? हाँ जाएंगे थोड़ी देर में जाएंगे ना, वो बोल रहे थे बंटी भाई लोगों को बोलना मैं। सो गाइस अभी ऊपर में बैठे थे सारे लौंडे लोग, तो बंटी भाई लोगों घर पे आ गए, बंटी भाई को बुखार आ रहा है मैंने बताया भी था। ये देखो गाइस यहाँ पे सो रखे, और सौरभ भाई आज कुरकुरे लेके आए भाई पहली बार, ₹30 गूगल पे बच रखे, अब सिर्फ ₹25 सौरभ भाई के सौरभ, अच्छा 10 ओ भाई ₹20 बस, जब तक हम आते तब तक तो ये खुशबू सुन लेता गाइस। ये देखो ये आसी, अबे उनको भी तो कर दे फोन है अन्नू लोगों को, अन्नू कॉल आई थी मेरे को कहाँ हो तुम की, मैंने कहा मंदिर में हम, तो बोल रहे कि और नहीं आए आसे लोग, मैंने कहा उन्होंने क्यों आना था यहाँ तो पता नहीं, अभी कॉल करते हैं गाइस आ जाएंगे तो अच्छी बात है, देखते हैं फिलहाल कुरकुरा खाते हैं यहाँ पे मस्त करके। सो गाइस ये देखो भाई ये भी आ गया, तू कहाँ जा रहा भाई? आई बंटी भाई धर्मशाला मना रखा है इन्होंने यहाँ, ब्लैक कलर अपने पापा को बुला दिया, 10 मिनट बगा दो मेरे पर्पल कलर, वाओ वाओ भाई इस पे ना इतनी पसीना आ रहा है, अब जाके तो हर थोड़ी सही हुआ होगा अब ना, यहाँ गीला हो रहा भाई पसीना की हीट आ रही भाई इधर। सो गाइस मैंने दिखाया भी था मैंने ब्लॉग में कि निखिल की मम्मी ने बोला कि वो खाना खाने आ जाना थोड़ी देर में, हम जा रहे थे यहाँ से, और ये भी बोल रहा कि मैं भी जा रहा, मैंने कहा तेरे को थोड़ी बुला रखा तू कहाँ जा रहा है भाई, और ये देखना मेरे स्कार्फ लेके परसों ना जिस दिन हम लंबगांव गए थे ना उस दिन इसने मेरे स्कार्फ रख दिया था, ठीक है सुधर जा, तेरा वाला नहीं है ये भाई, तेरा बताऊं कहाँ पड़ रखा था वो आगे रोड पे। चल भाई हम खाना खाने चलते हैं, चल ठीक है फिर है। मेरे मर्जी, मेरे से क्या गुस्सा हो रहा भाई, जिसके यहाँ जाने चल ले, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ सारे, मुंह पुला देता भाई ये, ओ भाई अबे यार किसने दिया इसका नंबर किसी का भाई, कौन है यार ठीक है अबे एक दो के तुमने कैसे देखा मेरे को भाई जो बताया ना, अच्छा अच्छा तो भाई मिले हमें भाई सब्सक्राइबर हमारे कहाँ से भाई, मदन नहीं किसे, अच्छा मैं अंदर बैठ रखा था भाई गाड़ी में, सतीश भाई आए, सतीश भाई ने बोला कि तुम्हारे सब्सक्राइबर है, ठीक है भाई अच्छा लगा मिलके, थैंक यू। सो गाइस मैगी आ चुकी है, अबे मेरे पांव पे मत गिरा रहा हूं मुझे गरम मस्त करके मैगी खाते हैं गाइस, ये देखो हम तीनों बैठे हैं गाड़ी में गरम ही आ रहा है, घर जाके बताते हैं कि कहाँ गए थे हम। सो गाइस अब आ चुके हैं सचिन लोगों के यहाँ पे, और ये देखो यहाँ पे हो रही दाल गरम। सो गाइस चूल्हा जला रहे थे भाई उस पे आग लगी, पता नहीं क्या सीन है उसका, अरे वो चौड़ा हो रखा ज्यादा, अभी वो चौड़ा हो रखा ज्यादा, रुक जा रोबिन एक बार चेक कर ले, एक बार चेक कर। सो गाइस मैंने बोला था ना कि जब शादी हो जाती है उसके बाद खाने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, देखो गौर भी कोई नहीं करता, ये देखो यहाँ पकौड़े गाइस, यहाँ देखो मिठाई डब्बे, ये देखो मिठाई डब्बे,
मिठाई के डब्बे, इस पे 8 सार मट्टी भर रखी इन्होंने। यहाँ देखो केले, अभी कोई गौर नहीं करता, जब भूख लगती है ना और शादी निपट जाती है कुछ दिन बाद देखेंगे तो भाई सारा साफ हो जाएगा इधर से, तब बोलेंगे कि काम है कहाँ गया। सो गाइस जो ये गरम किया वो है मटन की ग्रेवी, ठीक है। यहाँ पे मटर पनीर गरम हो रही, उसके बाद यहाँ दाल है, तो मैं तो मेन दाल ही खाने आया था, बट तब तक रोबिन भाई ने ग्रेवी गरम कर ली है, तो मैंने कहा दाल भी खाऊंगा मैं भात के साथ और ग्रेवी भी खाऊंगा। और ये गैस ना बहुत लीक कर रहा है भाई, तो खाते गाइस सौरभ तो खाने लग गया ग्रेवी ग्रेवी, और मैंने थोड़ी दाल भी खा ली, दाल भी कर दे यार गरम प्लेट ये है भाई। ये देखो गाइस दाल मटन तो खा लिया हमने, अब खा रहे हैं दाल सारे ही। देखो सो गाइस फाइनली रात के बज रहे 11:30, तो हमने खाना खा लिया मस्त करके रसोई का हाथ का खाना। तो मैंने बताया था मैं दिन में आने की कोशिश करता, बट क्या था कि एक दिन पहले छुट्टी की थी, और तुम्हें तो पता ही है कि दीदी की शादी की छुट्टी मैंने कितनी लंबी मार दी थी 15 दिन की, तो सही नहीं होता वैसे सर मना करते नहीं है, बट मैंने नहीं मांगी छुट्टी। तो सौरभ भी आया गाइस और अन्नो भी बाहर जा रखा पानी के लिए भेज रखा, मैंने उसको बोतल में पानी लेके आना। तो मैं बता दूं जहाँ मेरे सब्सक्राइबर मिले थे हम घूमने गए थे, आगे घूमने भी क्या, मेरे चाचा लोग सारे गए थे तो हमने सोचा हम भी चले जाते हैं, हमें तो घूमने का मौका चाहिए। तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ ब्लॉग की एंडिंग, तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसी सपोर्ट बनाए रखे। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।